तो यस तनिष्क का। अच्छा तो देखो कॉन्वेक्स लेंस, तो पहली चीज फोकल लेंथ क्या हो गई, नेगेटिव, ठीक है। अब फोकल लेंथ इज नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद वी, हमें पता है यस वी इज 50 सेंटीमीटर। वी क्या है, 50 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है और यूजुअली ये राइट साइड पे बनाता है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, जो ऐसा कब बनता है कॉन्वेक्स लेंस में, इन कॉन्वेक्स लेंस इमेज बीइंग फॉर्म इक्वल टू ऑब्जेक्ट, ऐसा कब होता है, कौन सा रे डायग्राम पे, एट 2f नॉट c, एट 2f राइट। तो वी कैन से एट 2f इट हैपेंस राइट। कैन आई से 2f इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, ठीक है। 2f इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ क्या हो गई, सॉरी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है इसकी, कॉन्वेक्स की राइट। तो फोकल लेंथ हो गई 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी वही हो जाएगा, 2f वाली 2f पे ही बनती है राइट। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा -50 सेंटीमीटर राइट। तो अब तुम्हें और क्या निकालना है, फाइंड द पावर वेयर इज द, तो हमारे को एक चीज निकालनी थी यू, दैट इज -50 सेंटीमीटर आ गया, एंड यू नीड टू फाइंड द पावर। पावर विल बी 1 बाय फोकल लेंथ, ठीक है, इन मीटर, तो 1 बाय 25, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो दिस विल कम आउट टू बी 4, दैट इज +4 डायोप्टर। यस यू कैन डू इट विद मैग्निफिकेशन और रे डायग्राम, ठीक है। तो दोनों तरीके से कर सकते थे। यू ऐसे फाइंड किया मैंने तो आयुष, क्योंकि तुमने रे डायग्राम बनाए होंगे तो तुम्हें पता होगा कि रे डायग्राम में इमेज इक्वल कब बनती है, एट 2f, जब ऑब्जेक्ट 2f पे हो तो इमेज 2f पे होती है राइट। अगर तुम मैग्निफिकेशन से करना चाहो, यू कैन डू इट विद मैग्निफिकेशन आल्सो, ठीक है। तो यू कुड आल्सो डू इट विद मैग्निफिकेशन, इट इज आल्सो नॉट रॉन्ग। तुम ऐसे भी कर सकते थे, सिंस सिंस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज द सेम साइज एज सेम साइज एज इमेज, तो हम बोल सकते हैं मैग्निफिकेशन इज -1। मैग्निफिकेशन -1 क्यों बोली, क्योंकि 1 का मतलब है सेम साइज, और माइनस इसलिए क्योंकि रियल इमेज बन रही है राइट, रियल बनेगी ना, -u + यस, तो दिस इज रियल इमेज, ठीक है। क्योंकि हमेशा इसके अंदर जो इमेज अगर नेगेटिव बनेगी भी, पॉजिटिव बनती तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे बनती और वो स्मॉलर होती है, तो दैट कैन नॉट बी द केस। यू कुड डू दिस लाइक दिस, तो वी मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू वी बाय यू, तो दैट इज -1। तो अगर वी यू कुड यू वी तुम्हारे पास था 50 सेंटीमीटर, तो इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू -50 सेंटीमीटर, यहां से भी आ जाता। एंड इन सिमिलर केस देन यू कुड डू फोकल लेंथ निकाल सकते थे 1 बाय वी -1 बाय यू से, बट दैट वुड हैव बीन एन इलैबोरेट प्रोसेस। यू कुड डू लाइक दिस ऑल्सो, तो एनी केस तुम किसी भी तरीके से इसको कर सकते थे। यू टेल मी, ये क्वेश्चन क्लियर है एवरीवन, यस और नो?